थाली बजाइए, ताली बजाइए, दीपक जोलिए। अंधविश्वास ये देखा कि ये अंधविश्वास के पीछे देश कब तक लगेगा। जब 6000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रहा हूँ, किसान अब इतना पागल नहीं है, वो सब समझ गया। ये तो रीत, ये जो मीडिया बिकी पर ये मोदी मीडिया के एक वो मोदी मीडिया के कौन के वो बवाल दिखावे रीति सड़क पे खींच ले जा फोटो। आदमी तू देख कितना आदमी है, 3 तलाक हटाया हमारे मोमडन भाइयों कैसे, मुसलमानों कैसे, हिंदू के लिए क्यों नहीं बात कही, कितनी लड़की बैठी है घर। और सबसे पहले तो मोदी जी जेल में जाए, इसने क्यों अपनी घरवाली को छोड़ दिया, जो दूसरे के ऊपर कानून बना रहे हो। पहले आप तो कानून में आ, हिंदू के लिए कानून इसी ने नहीं बनाया, एक मैं पहले कुकरम करे बैठी हूँ, मैंने गलत काम कर दिया। हम तो कोई हुआ नहीं है, एक जनता को हम क्या गिनवाए। सो ये सिटी बना रहे कही जन कितने स्मार्ट सिटी, कहूँ भैया हिंदुस्तान में देखिए कौन स्मार्ट सिटी आते हैं, हमने तो कहूँ देखी ना स्मार्ट सिटी कहा है। चल आवे डिजिटल इंडिया, अरे दादा तू हमें तो सूदी किसान इंडिया दे दे, डिजिटल इंडिया वाह ये दे दीजिए अड़ानी। अरे वो बाकी बातें ने छोड़, अच्छे दिन आ लिए, अब अच्छे दिन किसान लाएंगे और यहाँ वो सरकार बनाएंगे किसानों की, जिसमें भागीदारी होगी, मजदूरों की भागीदारी होगी, इस जात प्रथा को खत्म करके वो अपना किसान इंडिया, मजदूर इंडिया बनाएंगे, जिससे सभी सुखी हो। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। अब तो जनता पूछेगी सवाल, आज तक गूंगे बैठे क्यों कोरोना को बहाने आगो, एक साल है तुआ में खाएगो चुनाव होत के पहले। ये बात अब ऐसी नहीं चलेगी, अब जैसे राजा राज करता है वैसे कर, हमारे किसानों के हक को दे। हम अपनी फसल का रेट मांग रहे हैं, हमारे हमें रेट मिले, हमारे जो जनता खाए उसे सही दामों में मिले। उस पैसे 50 रुपया किलो हमारे यहाँ आलू नहीं होता बेटी, जहाँ आलू पैदा होता है वहाँ 4-5 रुपये किलो में लूटा, हमने 50 रुपये किलो खाया। सेब है जन वहाँ तक 2 रुपया किलो लूट के ला रहे हैं, यहाँ जन का भाव दे रहे। तो ये जो इन सेठों की काम है, पूंजीपतियों और अड़ानी अंबानी हो कोई हो, हम तो यूँ के सब देश में व्यवस्था सुधरे, जांच की जाए कौन इसमें कारावाजारी कर रहे हो, कोई चेक ही ना। मिट्टी का तेल मिले हो हमें, मिलाओ मिट्टी को तेल, मिट्टी का तेल जन कहाँ ले गए हुआ, मिट्टी का तेल डीजल में मिला दियो, एक जन काय में मिला दियो, डीजल 40 रुपया लीटर था जब ये सब रे देश में हल्ला मचा गए, डीजल आसमान छू गया, डीजल आसमान छू गए, आज तो 80 रुपया लीटर है एक जन और 90 है वो, आज ये कूदना ना कह रहे हम पे तो डीजल ज्यादा तेज हो गया। सिलेंडर है धरे डोला ही कौन है जो राहुल के सामने, स्मृति ईरानी और हमारे मनमोहन सिंह जो इतने सीधे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने देश को ऐसे संजोया, अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखा, एक चूड़ी दे ही हुआ। आज मोदी जी कह देगी फूल देगी चूड़ी देगी, कोई करा पहरावेगी आतन में, जो आज सिलेंडर के दाम 800 है या 900 है कोई पता ही नहीं है। मतलब मनमोहन सिंह के टाइम पर कोई नुकसान नहीं होता था खेती में आपका बेटी, वो बात है तू पूछेगी ना तो फिर ये नुकेंगे, ये तो कोई कांग्रेसी बोल रहा हूँ। आज से 16 साल पहले मैंने अपना धान 2800 रुपए कुंटल बेचा, और जब खाद का कट्टा 16 साल पहले कितने का था, 100 का, और आज खाद का कट्टा 250-300 रुपए का यूरिया को, और जब डीएपी का कट्टा आता था 500 रुपए का, और आज डीएपी का कट्टा 1200 रुपए को आज है, और आज वो धान 2800 की बजाय 2700 में बिक रहा है। और डीजल और खाद और दवाई, दवाई जब आती थी 50 रुपया की, अब आ रही है 500 रुपया की, अब 3-3 बार नकली दवाई बिक रही है, कोई देखने वाला ही नहीं है। ये तो ये लूटे जाओ तुम, पर हमें तो पैसा दे दे, तुम लूटो दुनिया पे, तो ये काम नहीं चलेगा। अच्छा, हम एक बात बताओ, आंदोलन में अब किसानों की जो संख्या है वो कम हो रही है, आप खुद देख रहे होंगे किसानों की संख्या किस प्रकार से कम हो रही है, तो ये कोई रणनीति है या क्या क्या है इसके पीछे। देखिए बेटी, अब तू यहाँ बात है सुन ले, हम यहाँ किसी से लठ बजाने नहीं आए, हम अपना आंदोलन कर रहे, अपनी फसल को भी नहीं बिगड़ने देंगे, और जब कोई हमें आकर से देगा तो ये फोन है सब पर, एक मिनट में यहाँ आ जाए 10 लाख आदमी। तू तो एक बात की कर रही है, और अब भी यह कम नहीं है, क्यों गर्मी पड़ रही है, सकारे से टेंट फेंट तन जाएंगे, हमारे यहाँ अब भी 5-4 हजार आदमी तो कम नहीं है बॉर्डर पे, सब बच्चे मतलब इधर उधर रहे हुए, कम नहीं है संख्या। ये तो रीत, ये जो मीडिया बिकी पर ये मोदी मीडिया के एक वो मोदी मीडिया के कौन के वो बवाल दिखावे रीति सड़क पे खींच ले जा फोटो। आदमी तू देख कितना आदमी है, आदमी कम नहीं है।
दो महीने तो हो गए आंदोलन को चलते हुए, अभी भी सरकार नहीं मानी, तो आगे की रणनीति क्या है फिर? हमारी रणनीति है खूब युद्ध 24 तक मोदी रहेगा, जो तक बैठे रहेंगे किसान, तो जब तक नहीं मनवा के जाएंगे, मनवा के। जब हम मैंने पहले वीडियो में कहा है, जब किसान अपने बैल को हिलाता नहीं है, छोटे बैल को, तो उसके नाथ डालता है और उसे जुआ में जोड़ता है। 24 तक गलत कह रहे हैं आप, 50 साल की वो दे रहे हैं दावा। कौन? अमित शाह जी। अरे अमित शाह बापू ना रहेगो, अब तू कहूँ तो जीत तो जाइयो, अमित शाह दामन में चले तो जाइयो, ये कोई पेट में तो ना निकलो राजा, वोटन को राजा ठप्पे को, कोई वोट नहीं देगा। उन सपनों को भूल जा जो ये हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते थे, सिख ईसाई करते थे, इनको शर्म नहीं लगती जो ये हमारे सरदार भाइयों से खालिस्तानी कहते हैं, इनको ये शर्म नहीं है? इस देश में अंग्रेज चले जाते जो बलिदान नहीं देते, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये हमको धर्मों में बांटते हैं, ये क्या राजनीति है इनकी? अरे इन पे काम तो कोई हुआ नहीं है, एक जनता को हम क्या गिनवाए? एक सिटी बना रहे कही जन कितने स्मार्ट सिटी, कहूँ भैया हिंदुस्तान में देखिए कौन स्मार्ट सिटी आते हैं, हमने तो कहूँ देखी ना स्मार्ट सिटी कहा है, चलावे डिजिटल इंडिया। अरे दादा तू हमें तो सूदी किसान इंडिया दे दे, डिजिटल इंडिया वाह ये दे दीजिए, अड़ानी है क्यों नहीं है? हमें चाहिए प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉल पर बात करते हैं, आप कह रहे डिजिटल इंडिया, हमें चाहिए किसान इंडिया बेटी, और देखियो किसान इंडिया बनेगी तो मैं भी सस्ते रेट पे खाने के मिलेगा। तो आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया है, लेकिन जनता तो कह रही है 3 तलाक हटाया, राम मंदिर बन रहा है, तो इतने तो उनके एक ऐतिहासिक काम कहे जाते हैं। अच्छा अच्छा सुन सुन सुन, 3 तलाक हटाया हमारे मोमडन भाइयों पैसे, मुसलमानों पैसे, हिंदू के लिए क्यों नहीं बात कही? कितनी लड़की बैठी है घर, और सबसे पहले तो मोदी जी जेल में जाए, इसने क्यों अपनी घरवाली को छोड़ दिया जो दूसरे के ऊपर कानून बना रहे हो? पहले आप तो कानून में आ, हिंदू के लिए कानून इसी ने नहीं बनाया, एक मैं पहले कुकरम करे बैठी हूँ, मैंने गलत काम कर दिया है, मैंने गलत काम कर दिया है, हिंदू के कानून बनाते हो तो जेल में चलिए जनाब, आपने क्यों छोड़ा अपनी घरवाली? चलिए एक कानून कह रहे हैं, बताइए एक बात बताइए, बंगाल में अब राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि बंगाल में भी अब आंदोलन होगा, बंगाल में चुनाव है, बाधा क्यों बन रहे हैं उनके चुनावों में? देखिए चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हमें अपने किसान को जगाना है, हम तो राजस्थान में भी जाएगा, राकेश टिकैत बंगाल में भी जाएगा, जहाँ पे वो है ना वो यू मोदी ये कहा है गुजरात भी जाएगा, सब जगह जाएगा, इनकी किरकिरी तो करनी है, एक ये बैठ गए झूठा बेहा इस देश पर, जो देश का किसान मार दिया, गरीब मार दिया, और इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है किसी के साथ में, और झूठ बोलने के सिवा इन पर कुछ है ही नहीं, ये झूठ का कभी खाते लेडोला दुनिया समझ गई सब झूठन ने, एक इनके पास झूठ के अलावा था ही नहीं कुछ। अब आप झूठ बता रहे हैं, मतलब एक कृषि कानून क्या आ गए, आपने तो सारी पीछे की चीजों पर पानी फेर दिया। अब तू बेटी वाकी के नोटबंदी तो करी, नोटबंदी में तो किसानियों के वही में कारे धने लांगो, और तुम्हें वहां में 15-15 लाख भाई देखो सब पैसा लोन में, लोन में फंस गई दुनिया जो 15-15 लाख आ जाएंगे, ये कारे धने लिखा है किसान पे तो बेचारे कच हो ना, यहाँ पे 15 लाख ना, यहाँ पे 2 रुपया ना है ना का ऊपर कारो धन आयो, और 2000 तो आए, 2000 की भी अब सुन ले, इसने हमारा 4 लाख का नुकसान करके एक किसान का, क्यों 1868 रुपए धान का रेट है जो बिक रहा है 1100, गेहूँ का रेट है कहूँ से कहूँ जो बिक रहा है 1500, एक किसान का 4 लाख का नुकसान करके इसने 6000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रहा हूँ। किसान अब इतना पागल नहीं है, वो सब समझ गया, जब मिल रही थी किसान सम्मान निधि तब क्यों रही आवाज उठाई हमने? मैं सुन बेटी, आवाज ये था पीड़ा थोड़ी थी, अब जब यहाँ तो न्यू ही याने क्यों किया ये कोरोना में, एक थाली बजाइए, थाली बजाइए, दीपक जोलिए, अंधविश्वास ये देखा, एक ये अंधविश्वास के पीछे देश कब तक लगेगा? जब देश ने समझा एक ये तो अंधविश्वास में फिर धकेलना चाह रहा है हमको, और ये टकरा गया किससे? जिसने देश को आजाद किया है, हमारे वो पूर्वज थे, हमारे भाई थे जो सीमा पर खड़े हैं, हमारे बेटा हैं, इन्होंने जब इनकी भी ऐसी तैसी इनकी कील ठोक दी कमर में, तो किसान यहाँ आ पड़ा है, अब सही काम होगा और इसको सही काम करवा के दम लेंगे।
वो कह रहे हैं ये जो कानून है ये गरीब किसानों के लिए, और जो आंदोलन में बैठे हैं वो अमीर किसान हैं। अच्छा, तो जमीन कितनी है आपके पास? अमीर बता दो ना। अमीर मेरे पास है 8 एकड़ जमीन, 8 एकड़ को किसान अमीर है, और 2 लड़का 4-4 एकड़ आ रही है। मैं तो झूठ ना बोलूं। हाँ, उन बाला के उन पे दो दो उन पे आयो कितने तो डेढ़ डेढ़ किला ना हम तो लगे मुए तो। अरे सुन भैया, अब तू यह बात है पूछे ना, जब ते मोदी बैठो ना पहले तो पुत जाओ हमारे घर ना पुत्रो, जब ते तो सासी पूछे और का करे बाबा को तू, क्यों कुछ बच नहीं रहा हमको, घर पुतवाने के पैसा नहीं बचते। हम तो दे रहे मोदी जी, मोदी ने तो हमारे सबरे हिंदुस्तान के तेरना है 15 लाख रुपया, वो तो कहे जन काका काऊ थे। अरे वो बाकी बात ने छोड़, अच्छे दिन आ लिए, अब अच्छे दिन किसान लाएंगे और यहाँ वो सरकार बनाएंगे किसानों की, जिसमें भागीदारी होगी, मजदूरों की भागीदारी होगी, इस जात प्रथा को खत्म करके वो अपना किसान इंडिया, मजदूर इंडिया बनाएंगे, जिससे सभी सुखी हो।